अब हम आपको वर्नियर कैलिपर के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे हम दशमलव के दो अंक तक किसी भी वस्तु की लंबाई या मोटाई ज्ञात कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये है वर्नियर कैलिपर। इस वर्नियर कैलिपर में दो पैमाने होते हैं, यानी दो स्केल हैं। एक स्केल हम दिखा रहे हैं, पहले देखो कि ये मुख्य पैमाना, ये मुख्य पैमाना है, मुख्य स्केल। और एक दूसरा स्केल है, ये जिसको हम खिसका रहे हैं, ये वर्नियर स्केल है। इस पे देखो, यहाँ से यहाँ तक 10 निशान है, यहाँ से यहाँ तक 10 निशान है। तो किसी भी वस्तु की मोटाई या लंबाई ज्ञात करने के पहले हम इसका ज्ञात करते हैं अल्पतम माप। तो अल्पतम माप क्या होता है? मुख्य पैमाने पर एक छोटे भाग का मान, यहां से यहां तक 0.1 सेंटीमीटर यानी 1 मिलीमीटर है। और इसको हम भाग देते हैं वर्नियर पैमाने पर खानों की संख्या, यहां से यहां तक 10 खाने हैं। तो 0.1 को हम 10 से जब भाग देंगे तो 0.01 सेंटीमीटर आएगा। यही वर्नियर पैमाने का यानी वर्नियर कैलिपर का अल्पतम माप होता है। हम इतना खिसकाते हैं कि वर्नियर कैलिपर के दोनों जबड़े एक साथ मिल जाए। देखो, ये दोनों जबड़े एक साथ मिल गए। इस समय होना क्या चाहिए कि वर्नियर पैमाने का जो पहला खाना है, पहला निशान है, वो इसके शून्य के बिल्कुल सीध में होना चाहिए। यहाँ पर देखो, ये शून्य का निशान है, इसकी सीध में होना चाहिए। इस अवस्था में क्या होता है कि इसमें शून्य त्रुटि नहीं होती है। तो इसमें मान लिया कि शून्य त्रुटि नहीं है, क्योंकि शून्य त्रुटि हम अलग से बताएंगे। अभी बिना शून्य त्रुटि वाले उपकरण से हम नाप रहे हैं। तो शून्य त्रुटि नहीं है, ऐसी स्थिति में हम कैसे नापेंगे? इस वर्नियर पैमाने को आगे खिसकाएंगे। अब देखो, इस तरीके से आगे खिसकाते हैं और इसके दोनों जबड़ों के बीच में जिसकी मोटाई ज्ञात करनी है या लंबाई ज्ञात करनी है, उसको ठीक कस देते हैं। जैसे इस लकड़ी के टुकड़े को मैंने कस दिया। अब यहां पर देखिए कि वर्नियर पैमाने का जो पहला निशान है वो क्या है कि 1.7 सेंटीमीटर से बाद में है, 1.8 सेंटीमीटर से कम, 1.5, 1.6, 1.7 से ज्यादा है और 1.8 से कम है। तो इसका मतलब इसकी मोटाई 1.7 से अधिक और 1.8 से कम है। अब उसके बाद मुख्य चीज है जो वर्नियर पैमाना। वर्नियर पैमाने पर हम क्या देखते हैं कि वर्नियर पैमाने का कौन सा निशान मुख्य पैमाने के किसी निशान के सीध में है। अगर हम देखें तो इस वर्नियर पैमाने का छठा निशान किसी निशान के सीध में आ रहा, बिल्कुल सीध में। और जब ये छठा निशान हम पढ़ लेते हैं, यहां से गिन लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस 6 को हम अल्पतम माप से गुणा करेंगे। अल्पतम माप है 0.01। तो 0.01 को 6 से यानी 6 से गुणा करेंगे तो इस तरीके से 0.06 आता है। और मुख्य पैमाने पर पाठ था 1.7 और 0.06, दोनों को जोड़ने पर 1.76 सेंटीमीटर इस लकड़ी के टुकड़े की मोटाई प्राप्त हो जाती है। तो इस तरीके से हम वर्नियर कैलिपर से मोटाई ज्ञात करते हैं।